दोस्तों आज इस वीडियो में मैं आपको 5 जुलाई 2020 को लगने वाले चंद्र ग्रहण के बारे में बताने वाली हूं कि 5 जुलाई 2020 को क्या सच में चंद्र ग्रहण लगने वाला है। फ्रेंड्स आज इस वीडियो में मैं आपको बिल्कुल सही जानकारी दूंगी, इसलिए वीडियो को पूरा देखें, खास करके गर्भवती महिलाएं इस वीडियो को देखें ताकि उन्हें सारी जानकारी मिल सके कि 5 जुलाई को लगने वाले चंद्र ग्रहण के नियम गर्भवती महिला को मानने हैं या नहीं। दोस्तों वीडियो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होने वाली है, इसलिए वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और पास बनी बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरी आगे आने वाली हर प्रेगनेंसी से संबंधित वीडियो आपको मिल जाए। दोस्तों 5 जुलाई 2020 को लगने वाले चंद्र ग्रहण के बारे में आपको लगातार YouTube और अदर सोशल प्लेटफॉर्म पर आपको बताया जा रहा है कि 5 जुलाई को चंद्र ग्रहण है, जबकि दोस्तों ऐसा कुछ भी नहीं है। दोस्तों इस अफवाह का सबसे ज्यादा असर गर्भवती महिलाओं पर हो रहा है क्योंकि उन्हें लग रहा है कि अभी हाल ही में 21 जून को सूर्य ग्रहण लगा था जो कि काफी असरदार था, काफी प्रभावी था, और अब उन्हें लग रहा है कि 5 जुलाई को फिर से चंद्र ग्रहण है। पर ऐसे में प्रेग्नेंट महिलाएं परेशान हो गई हैं कि उन्हें फिर से ग्रहण के नियम मानने होंगे, भूखे प्यासे रहना होगा। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं 5 जुलाई 2020 को जो चंद्र ग्रहण लग रहा है वो भारत में नहीं होगा और इसका कोई भी नियम धार्मिक दृष्टिकोण से भारत में माननीय नहीं होगा। दोस्तों 5 जुलाई 2020 को लगने वाला चंद्र ग्रहण भारत में ना होने के ज्योतिष शास्त्रों के अनुसार दो बड़े कारण है। पहला कारण है कि 5 जुलाई को लगने वाले चंद्र ग्रहण का समय सुबह का है, सुबह 8:37 पर यह ग्रहण शुरू होगा और 10 बजे समाप्त होगा, इसलिए इस चंद्र ग्रहण का समय सुबह का होने पर इसका प्रभाव भारत पर नहीं होगा और इस ग्रहण का ज्यादा प्रभाव अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और यूरोप में दिखाई देगा क्योंकि इस समय वहाँ रात का समय होगा जिसके कारण इन देशों में चंद्र ग्रहण का ज्यादा असर होगा, लेकिन भारत में 5 जुलाई को चंद्र ग्रहण नहीं होगा। दूसरा कारण है 5 जुलाई 2020 को जो चंद्र ग्रहण लग रहा है वो उपशाया चंद्र ग्रहण होगा। ज्योतिष शास्त्रों के अनुसार उपशाया चंद्र ग्रहण का कोई भी नियम पालन नहीं किया जाता है और मैं आपको बता दूं साल 2020 में कोई भी चंद्र ग्रहण नहीं है, सिर्फ उपशाया चंद्र ग्रहण ही देखने को मिलेगा। दोस्तों ऐसा ही उपशाया चंद्र ग्रहण 10 जनवरी और 5 जून को भी देखने को मिला था और उस समय पर भी लोगों ने वीडियो बनाकर अफवाह फैला दी थी कि चंद्र ग्रहण है और प्रेग्नेंट महिलाओं ने इसे सच समझ लिया और उस समय पर भी महिलाओं ने ग्रहण के नियम माने जबकि साल 2020 में कोई भी चंद्र ग्रहण नहीं है। इसलिए दोस्तों 5 जुलाई 2020 को कोई भी चंद्र ग्रहण नहीं है, मैं आपको बार बार ये बात बोल रही हूँ, ये उपशाया चंद्र ग्रहण होगा। उपशाया चंद्र ग्रहण में चांद का कोई भी हिस्सा ग्रस्त नहीं होगा, पृथ्वी में कोई भी छाया चांद पर नहीं पड़ेगी, तो चंद्र ग्रहण कैसे होगा? दोस्तों चंद्र ग्रहण तब होता है जब पृथ्वी चंद्रमा और सूर्य के बीच आ जाती है और पृथ्वी की छाया पूरी तरह से चांद पर पड़ती है, उस समय पर चंद्र ग्रहण होता है और इस चंद्र ग्रहण के समय गर्भवती महिलाओं को सावधान रहने की जरूरत होती है क्योंकि चंद्र ग्रहण ज्योतिष शास्त्रों के अनुसार अशुभ घटना है। लेकिन प्रेग्नेंट महिलाओं को 5 जुलाई को लगने वाले चंद्र ग्रहण से बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है, कोई भी नियम पालन करने की जरूरत नहीं है क्योंकि उपशाया चंद्र ग्रहण को ज्योतिष शास्त्रों और धार्मिक दृष्टिकोण से ग्रहण की श्रेणी में नहीं रखा जाता है। इसलिए दोस्तों इस वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर करें ताकि समय रहते ये वीडियो हर गर्भवती महिला तक पहुंचे जिससे उन्हें सही जानकारी मिल सके। तो दोस्तों बस इस वीडियो में इतना ही, वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू गाइस।